गुड मॉर्निंग एवरीवन, आइए आज के मार्केट सेटअप को समझते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कल यूएस मार्केट मिक्स टू नेगेटिव नोट पर बंद हुए। डाउ जोन्स में अराउंड 30 पॉइंट का डाउन टिक देखने को मिला। मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर फ्लैट नोट पर ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स नेगेटिव नोट पर ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पर ट्रेड कर रहा है, 15 टू 20 पॉइंट का अपटिक दिखा रहा है। डेटा की बात करें तो कल कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 1400 करोड़ की अच्छी बाइंग देखने को मिली, बट डीआईएस की तरफ से 1600 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली। सो नेट 200 करोड़ की इंस्टीट्यूशनल सेलिंग थी। एफएनडो डेटा की बात करें तो एफएनडो का डेटा मिक्स टू हल्का नेगेटिव है। एफआईएस ने कल इंडेक्स फ्यूचर में हल्की शॉर्टिंग की, वहीं कॉल में लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन था। पुट में कुछ लॉन्ग्स क्रिएट किए और माइनर शॉर्ट्स कवर किए, 300 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर किए, तो हल्का नेगेटिव है। हो सकता है उन्होंने कैश में जो बाइंग की है उसके अगेंस्ट हेजिंग की है, तो इतना नेगेटिव नहीं कहा जाएगा। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, लेकिन मोमेंटम स्लो हुआ है। जहां 15,800 इमीडिएट हर्डल है, इसके ऊपर हम एक और मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15,950 टू 16,000 के जोन में। नीचे की ओर 15,700 इमीडिएट सपोर्ट है, जबकि 15,600 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ट्रेडर्स को यही एडवाइस है कि ट्रेंड के साथ बने रहे जब तक मार्केट में कोई रिवर्सल का साइन नहीं मिलता है, जहां सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, जहां 34,900 इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, जबकि 34,500 टू 34,250 एक क्रिटिकल डिमांड जोन रहेगा। 35,500 इमीडिएट हर्डल का काम कर रहा है, इसके ऊपर निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 36,500 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। स्टॉक्स की बात करें तो कल हमको एक आईटी सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था, जो आज भी जारी रह सकता है, क्योंकि सीएलएसए और गोल्डमैन सैक्स ने इंडियन आईटी सेक्टर पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। सिमिलरली पीएसयू बैंक में भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का एक बुलिश व्यू आया है पीएसयू बैंकों को लेकर, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा को। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू है, फिर से तेजी देखने को मिल रही है। इस वजह से हमको ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। कल पेट्रोनेट के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स इन लाइन थे, तो ये अपने रिजल्ट्स पर रिएक्ट करते नजर आएगा। वहीं आज गेल और बाटा इंडिया के रिजल्ट्स हैं, तो ये भी आज फोकस में रहेंगे। तो ये था आज का मार्केट सेटअप। थैंक यू। दिस इज संतोष मीना, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, साइनिंग ऑफ।